के लाओ, निकलती नहीं है। चुटकुला सुनाओ, हाथी नहीं आना चाहिए। अगर हमारा चश्मा टूट गया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा हाथी जिम्मेदार है। चश्मा ठीक है, तुम बच गए। एक बार एक चींटी होती है, चींटी चलेगी बेचारी बच्ची लेडीज, उसको कुछ नहीं कहेंगे। हाथी नहीं आना चाहिए। चींटी ना जंगल में जा रही होती है। चींटी जंगल में जा रही है, शाबाश, चींटी जंगल में जा रही है अकेली, वाह। इससे पता चलता है हमारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित है। Yes. चींटी जंगल में जा रही होती है, वाह, और बहुत सारे जानवर उसको मिलते हैं। क्या बात है, कितना प्रेम है हमारी प्रजा में, शाबाश। शेर, चीता, भालू, वाह, बंदर, वाह। और उनके पीछे एक बहुत बड़ा जानवर होता है। कौन होता है? कुछ तो नाम रखा होगा उसके माँ बाप ने। उसकी चार टांगे होती हैं। चार होती, साढ़े तीन किसकी होती है? फिर उसकी एक पूंछ भी होती है, दो बड़े बड़े दांत होते हैं। उसकी सूंड तो नहीं होती? नहीं सर, वो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ है। शौकीन लगाई है, कोल्ड ड्रिंक पीने का शौकीन है जी। हाथी बड़ा तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत सालों से हमारी खिदमत कर रहे हो, तुम्हारी पगड़ी काटेंगे। तुम तेल नहीं दिलवा के लाए? आगे से हमारे सामने हाथी का नाम लिया, तुम्हें चूहा बना रही, दबा जाओ और सेनापति बने जाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरे राज्य में किसी को कोई दुख है तो वो दफा हो जाए। मेरे को रोंदू लोग नहीं चाहिए अपने राज में। सारा दिन रोते रहे रोते रहे, कभी भी कोई प्रजा उठ के आ जाती है, महाराज हमें ये प्रॉब्लम है, महाराज हमें ये प्रॉब्लम है। अरे महाराज को क्या प्रॉब्लम, कभी हमने आपको बताया? हमारे टॉयलेट में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, महाराज खुद लोटा लेके बाहर जा रहे हैं। कल शाम को हम लोटा लेके बाहर गए, हमारा काम भी नहीं खत्म हुआ, लोटा लौट गया। But he's a lota, we can't stop him. लोटा है, लोटा लोटा नहीं, लोटा ना लोटा क्या करें? का लोटा। लोगों का पाजी क्या बात करनी? सही बात है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का मैं कहना। लोगों का मैं कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं भीड़ ना जाए सुरेश रैना। सुरेश रैना। सिद्धू जी। हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, जो राजा होता है वो सिर्फ आदमी, औरतों, बच्चों, बूढ़ों का ही राजा होता है कि जानवर भी उसके राज में आते हैं? सब आते हैं। सब। तो ये सांप मेरे को कल एटीट्यूड क्यों दिखा रहा था? मैं एक्चुअली कल शिकार करने गया, शिकार करते करते शिकार मेरे पीछे भागने लगा, मैं भागा। मैं सांस लेने के लिए बैठा, किसी बिल्ले में से सांप निकल के बाहर आ गया। मेरे को ऐसे ऐसे दिखा, फन कर रहा है। फन करना अच्छी बात है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में करो आप। मेरे साथ क्या मतलब हुआ? और लोगों को ऐसे ऐसे करता ना, मेरे को लेट के ऐसे ऐसे पूछ रहा था, तू किधर है? मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं डर के भागा। लोग पीछे ऐसे ऐसे भागता ना, मेरे पीछे ऐसे ऐसे भाग रहा था। मैं इतना परेशान हुआ ना, वहां से बाहर निकला, मैं भालू मिल गया मुझे। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि अगर आपके पास भालू आ जाए, सांस रोक के खड़े हो जाओ, आपको मुर्दा समझ के छोड़ के चला जाता है। अच्छा? भालू आया ना, मैं ऐसे खड़ा हो गया, भालू आया मेरे पास, मेरे को कहता है बात सुन, राजा है इसलिए छोड़ रहा हूं, ये कहानी मैंने भी सुनी हुई है। मैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा राजा मानता हूं, लेकिन मैं अपनी प्रजा से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या कहना है, राजा कैसा होना चाहिए? हाँ। बताइए, बताओ तुम। मेरे हिसाब से राजा ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो कि उसके राज्य में
कोई भूखा ना सोए। राजा चाहिए कि हलवाई चाहिए मेरे को, आप बात क्लियर करें। क्या मतलब भूखा क्या ना हो? सर तो मैं ये कह रहा था कि राजा ऐसा होना चाहिए कि उसको पता हो कि उसके प्रजा में कोई किसका पेट भरा है किसका नहीं। भटूरे छोले खिलाए। हम राजा हैं कि दुल्हन के बाप हैं? जो जाके पूरी बरात से पूछे खाना खाएगा नहीं, खाना खाएगा नहीं। What is this? और क्या चाहते हैं आप एक होने वाले राजा में? सर मेरे हिसाब से राजा ऐसा होना चाहिए। हिसाब बड़ा करते हैं आप। मेरे हिसाब से हिसाब में कितने नंबर आए थे मैथमेटिक्स में? 50%। तो आप 50% सही हैं। पहले जाइए पूरे 100 नंबर ले गए, फिर हमसे बात कीजिए। आ गए। और कोई हमारी प्रजा में से जो उठ के ये बताना चाहता है कि राजा कैसा होना चाहिए? वाओ कौन लेडी प्रजा? यस हमारी प्रजा कितनी खुशहाल है, देखो खाती पीती प्रजा हमारी देखो। जी लेडीज प्रजा बताइए। राजा को दूसरों का दुख अपना दुख समझना चाहिए। अच्छा तो मतलब प्रजा को फोड़ा हो तो मैं अपने क्रीम लगा लूं? What do you mean to say? ये क्या बात हुई? No, this is not acceptable. क्या है मतलब प्रजा को गैस हो तो मैं अपने घर में बैठा अजवाइन खा लूं? What is this? मैं ये कह रही हूँ कि राजा को प्रजा से प्यार करना चाहिए बहुत ज्यादा। और अगर राजा मैरिड हो तो? पर मेरा ये मतलब है कि प्रजा के साथ प्यार कर रहा हो और रानी आके पकड़ी जाए तो फिर लवी-डवी। मेरा ये मतलब है कि राजा को एक तरीके से देखना चाहिए। आपका मतलब क्या? बड़ा मतलब निकाल रही, मतलब ही कहेगी। थैंक यू थैंक यू। और जिसको ये लगता है कि राजा ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए? राजा को जुर्म खत्म करना चाहिए। राजा को जुर्म खत्म करना चाहिए। राजा को देश की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? गंभीरता से लेना चाहिए। हैं? गंभीर लेना चाहिए। गंभीर? हाँ। समस्याओं को हाँ सीरियसली लेना चाहिए, मजाक नहीं लेना चाहिए। मतलब शो को सीरियस करके फ्लॉप करवा ले हम। राजा का पता नहीं कुछ करे ना करे, हमारा हम लोग सीरियस कर लें। हमारे शो में आ गए सारे सयाने लोग। ये क्या घोड़े में चाय पी रही है ऐसे ऐसे करके? ये क्या कहां थे अब तक? अगर जान की सलामती हो तो कुछ अर्ज करूं? बिल्कुल सलामती नहीं है, गोली मार दूंगा मैं। कहां जब तक तुम्हें पता नहीं दुश्मन देश हम पे हमला कर रहे? जहां पना, मैं तो दुश्मनों से लोहा लेने गई थी। वाह सेनापति हो तो ऐसा, वो हम पे हमला कर रहे और तुम उनसे बिजनेस कर रहे हो, वाह। जहां पना, प्रजा ये जानना चाहती है कि राज्य को युवराज कब मिलेगा? जनता से कहो कि धीरज रखे, युवराज मिला तो ठीक वरना हम हरभजन भी ट्राई कर रहे हैं। महाराज मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता ये जानना चाहती है कि आपका बेटा कब आएगा? जब बेटा है नहीं तो आएगा कहां से? और तुम क्या बार बार बेटा 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 करती रहती हो? तुम मेरी सेनापति हो कि मेरी दादी हो? तो फालतू की बातें छोड़ो और हमारी बात का जवाब दो, हमारी सेना में कितने हाथी घोड़े? हमारे यहाँ 22 हाथी 30 घोड़े और 3 गाय। 22 हाथी बस 30 घोड़े, इससे ज्यादा तो सर्कस वालों के पास होते हैं। मैं तो कहती हूँ जहां पना, क्यों ना हम हाथियों को शराब पिलाकर छोड़ दे मैदान में। हाथी को नहीं पिला सकते, कहीं पी के हमारी तरफ घूम गया तो उसको कौन समझाता फिरेगा कि हमने तेरे को पिलाई है। नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता। और सुनो, हाथी को शराब नहीं पिलानी, हमें 2 पैक लगवा देना, हमें थोड़ा डर भी कम लगेगा। आपको तो वहां डर नहीं लगेगा लेकिन मुझे तो यहाँ डर लग रहा है, इसीलिए कहती हूँ 2 पैग यहीं शुरू हो जाए। जापना थप्पड़ मार के तुम्हारा घोड़ा तोड़ दूंगा मैं। बकवास करते रहते, जब भी देखो शराब पीने का बहाना चाहिए, हट जाओ यहाँ से और जाओ जाके महफिल का इंतजाम करो, मरने से पहले हम नृत्य देखना चाहेंगे। अच्छा अन्नू अनारकली, ये क्या भलता भद्दा डांस किया मेरे सामने, इसको अभी कभी लेके जाओ, इसको दीवार में चुनवा दो, दबा करो इसको। ओह माय
मुझ जैसे शबाब को देखकर लोग शराब की बात करते हैं और तू मुझे द्वार में चुनवाने की बात कर रहा है बदतमीज। महाराज महाराज कांटा चेंज काम करो सेनापति जी को सेना में भर्ती कर लो। जालिम महाराज इस 22-year-old नाजुक कमसिन हसीना को आप सेना में भर्ती करने की बात कर रहे हैं? ओहो माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अरे तुम गलत समझ रही हो, हम तुम्हें एज ए सैनिक नहीं एज ए तोप भर्ती करेंगे। अपने मुंह में गोले रख रख रहा ऐसे मारना दुश्मन को। जहाँ पना अगर जान की सलामती हो तो कुछ अर्ज करूं। तेरी जान पहले मैं निकाल लूं, हर बात में सलामती पूछ रही है। एक घंटे का शो डेढ़ घंटे का करेगी जान की सलामती, जान की सलामती। बताओ जहाँ पना ये तो बड़ी मशहूर है। पिछले साल राजा टोडरमल की शादी में ये ऐसा नाची कि खुशी के मारे टोडरमल का तो टोडर ही फट गया। टोडर ब्लास्ट खुशी के मारे नहीं बेइज्जती के मारे फटा होगा। ये कितना गंदा नाचती है। अरे किसी की धोती में छिपकली छोड़ दो ना, इससे अच्छा डांस कर ले वो बढ़िया। और इसका नाम ए, और इसका नाम अनार गली किसने रखा? मेरी मम्मी जी ने। कितनी जाहिल अनपढ़ होगी तुम्हारी माँ, लोग तो आंख के अंधे होते, तुम्हारी माँ अकल के अंधी होगी पक्का। महाराज किले जैसी दिखने वाली लड़की और उसका नाम अनार गली रख दिया। फ्रूट सबसे महंगा अनार और देखो कलिंगड़। Oh my God! मैं मेरे को चारों तरफ से घेर लो। मैं बादशाह अकबर नहीं हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार। मेरे को एक काम करो, महल को चारों तरफ आग लगा दो ताकि कोई अंदर ना आ पाए। मेरे को डर लग रहा है।